हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम से। आज सफाई का दिन रखा था हमने, हमने सोचा आज सफाई करेंगे। तो आज हमने पूरे घर की सफाई करी अच्छी से सुबह से। तो सुबह हम ब्लॉग नहीं बना पाए और दोपहर फिर हम थोड़ा रेस्ट किया हमने। और बाबू अब हमारा ठीक है, मतलब पूरा ही ठीक हो चुका है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिन में तो हम सुबह तो हमने आज सफाई वफाई करी घर की, सारी डस्टिंग वस्टिंग करी आज अच्छे से, पूरे घर की सफाई कर दिया आज तो हमने। और तो अब हो गई थी शाम, तो मैंने कहा चलो अब भाई फ्रेंड्स से मिलना तो ज़रूरी है, आप लोगों से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। तो फ्रेंड्स आज हमने बनाई है चाय और यहाँ मैंने अपना आटा भी गूंथ दिया है। मैंने सोचा आटा भी गूंथ कर रख देती हूँ, रोटियाँ बना लूँगी। और आज हम जा रहे हैं घूमने, गोलगप्पे खाने का मन था तो हमने सोचा चलो भाई आज गोलगप्पे खा के आते हैं। तो अब हम आपसे वहीं मिलेंगे, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी चाय, और देखिए देखिए मेरी चाय है, ये थोड़ी ज़्यादा चाय पत्ती डल गई मुझे लग रहा है, इसमें देखो कितनी डार्क हो गई है। अब मेरे हस्बैंड कहेंगे इतनी डार्क चाय क्यों बनाई, उन्हें इतनी डार्क चाय पसंद नहीं है। और ये मेरा गूंथ चुका है आटा, और बर्तन वर्तन भी सब मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद घूमने जाएंगे और गोलगप्पे खाएंगे। आज गोलगप्पे खाने का मन था इसलिए हमने सोचा चलो अपने अपने, आज हमारे हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो हमने सोचा चलो आज गोलगप्पे खाते हैं। तो चलिए गाइस अब हम आप, तो गाइस देखिए यहाँ पे हम निकल चुके हैं घर से घूमने के लिए, और ये लग रहा है हमारे यहाँ पे बाज़ार। अब लॉकडाउन तो अब खुल चुका है तो अब बाज़ार लगना भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे मार्केट लगती है बहुत अच्छी। और हमारे डब्बू जी देखो प्यारे से बाबू जी कैसे बैठे हुए हैं आराम से, मस्त घूमने घूमने जाने के नाम पे तो खूब अच्छा लगता है, लेके चलो उन्हें घुमाने। और हम बहुत दिनों बाद आज निकले थे घूमने, ऐसे ही मन कर गया। मैंने कहा रात को, वैसे रात को हम निकलते कम है, निकलते ही नहीं है मतलब, पर आज हमने सोचा चलो आज बाहर गोलगप्पे खा के आते हैं। बहुत दिन से गोलगप्पे नहीं खाए, घर में बैठे बैठे भी उग जाते हैं। और ये बस जा रही है ग्रीन बस, दिन क्या चलती है वो तुझे बताना, हमारे यहाँ ग्रीन और रेड कलर की बस चलती है और आराम जा रहे हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा था, हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके डैडी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, कह रहे चलो हवा के मजे लेते हैं चलो बाहर के, घर में घुसे घुसे। और ये मेट्रो है, मेट्रो के पुल से नीचे से हम निकले और हमने कहा चलो भाई आज। और ये हॉस्पिटल पड़ा यहाँ पे, हॉस्पिटल है यहाँ पे, अच्छा हॉस्पिटल है। रास्ते में ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर जाके है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए ये है मंदिर, इसको नीलम माता मंदिर के नाम से जाना जाता है अगर किसी को पता हो तो। और नवरात्रों में यहाँ बहुत भीड़ होती है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ। और देखो भीड़ वीड़ तो नहीं थी। और ये हम आ गए डोसे की दुकान पे, और देखो हम यहाँ हम सोच रहे थे बैठेंगे, पर आपको दिख रहा है यहाँ बैठने की जगह है, यहाँ इतनी भीड़ थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भाई घर जाके ही खाएंगे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। और हम देखो यहाँ पे वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे, खड़े हुए थे हम लोग अलग से दूर, क्योंकि आपने देखा ना वहाँ कितनी भीड़ हो रही थी। और मैं बाबू को कह रही थी बाबू देखो कैमरे में, वो देख ही नहीं रहा था, उसको चीज़ें दिखने को मिल रही थी ना, घर से बाहर बहुत कम निकलता है। तो अब निकला तो इधर उधर देख रहा था, मार्केट देख रहा था, अच्छा लग रहा था उसे भी, बेचारा वो भी घर में घुसा रहता कहीं जा पाता नहीं है। और ये देखिए कितना रश हो रहा है यहाँ पे, मतलब लोग तो देखो ज़रा कैसे टूटे हैं, वह इतनी भीड़ भैया। कोरोना को किसी का तो सोचना चाहिए भैया, हमने तो सोचा, हमने कहा इतनी भीड़ में क्या खाएंगे, इससे अच्छा घर लेके चलते हैं। इसके डैडी ने कहा घर लेके चलो पैक करवा लो, तो खड़े हैं वहाँ पे पैक करवा रहे हैं, हम अलग से खड़े थे। और ये देखिए हमारा डोसा पैक हो चुका है और हम चले हैं गोलगप्पे खाने, ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। हम गोलगप्पे खाली हो गए तो सब खाली करा दिया। देखो गाइस गोलगप्पे वाला खाली हो गए, हमारे पति ने खाली कर दिया। अब कहाँ खाएंगे हम गोलगप्पे, यही तो है इसकी किसी वजह ले रहे हैं यहाँ पे। नहीं आइसक्रीम, एक आइसक्रीम लेते हैं कुछ तो खा लें, ले लो यार एक आइसक्रीम खा लें। है कोई सी भी खिला दो। कितने बजे बंद कर दे रहे भैया? 10 बजे तो 10 का।
तो देखिए गाइस, गोलगप्पे तो हमें मिले नहीं, वो तो बंद हो गए, तो उसके पापा लाए आइसक्रीम। और ये देखो हमें ढूंढ रहे थे, हम तो साइड में आगे बैठ गए, हमें ढूंढ रहे कहाँ चले गए, हमने कहा हम खो गए। तो हमने यहाँ आइसक्रीम के मज़े ले रहे हैं, हमने तो चलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए हमारे साथ, बैठ जाओ ना। क्यों, ये देखिए आइसक्रीम, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए हम खा रहे हैं आइसक्रीम, गोलगप्पे मिले नहीं, सोचा आइसक्रीम के मज़े ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे, नाइट में बैठ के आराम से आइसक्रीम खा रहे थे, सोचा गर्मी में चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो देखिए आप लोग, थोड़ी सी ले लो, या मजे लीजिए आइसक्रीम के, गोलगप्पे तो मिले नहीं। अब तुम भी खाओगे लाइट से बकरे की? यहाँ देखिए बाबू के डैडी आइसक्रीम खा रहे हैं, और इसको आइसक्रीम खिला नहीं देते क्योंकि इसको जुकाम अभी ठीक हुआ है, पर ये आइसक्रीम में बार बार हाथ मार रहा था खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको कहा आप भी खाओ, आप भी इंजॉय करो। और ये देखिए हम लोग आइसक्रीम के मज़े ले रहे हैं, उड़ उड़ के। हवा आज हवा अच्छी है वैसे। आपको भाई पति गोलगप्पे खाने, बाबू बाबू को नहीं खिलाएंगे ऐसे। ओ हाथ मार दिया उसने, क्या करा बाबू हमें, हाथ मार रहा है। ये देखो उसकी नाक पे, देखो ये देखो उसकी नाक पे ऐसे लग रही है आइसक्रीम। चाट रहा है, चाट रहा है। देखो आज हमारा बाबू स्कूटी चला रहा है, बाबू चलो हैंडल पकड़ो। मजा आ रहा है उसे, बाबू आप चला रहे हो स्कूटी। तो गाइस अब आइसक्रीम खा के हम चल दिए घर, वापस अपने घर, वहीं कमरे के अंदर क्या करें, थोड़ा घूम लिए तो थोड़ा अच्छा सा लग गया, हवा अच्छी चल रही थी। तो अब हम घर जा रहे हैं वापसी। और देखिए 11:10 बज चुके थे, और इसके पापा धीरे धीरे गाड़ी चला के ले जा रहे थे, कह रहे कोई नहीं हवा के मज़े लो। और ये हम घर पर आ गए, और हम ये डोसे के इंजॉय कर रहे हैं। देखिए आप भी देखिए, और आप लोग भी खा लीजिए डोसा हमारे साथ। देखो ये कितने वो टपली नहीं बताते, टपली आवाज अच्छा ये बोल रही है, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया ना, सॉफ्ट है। तुम बजाओ टपली बजाओ, तो गाइस अब हम आ गए हैं घर पे, और हो गई है रात, रात के बज रहे हैं 11, और हम तो घर पे आ गए, गोलगप्पे तो मिले नहीं आपको मैंने बताया, कोई नहीं अब देखते हैं कभी और खाएंगे, मौका मिलेगा तो जाएंगे गोलगप्पे खाने। और डोसा भी हम घर पे ही ले आए हैं आपने देखा, और वही हमने घर में खा लिया है। अब बस 11 बज गए हैं, तो आराम करने की तैयारी हो रही है, और बाबू देखो कितना मस्त हो रहा है। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो, और कुछ नहीं बस वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, फुल नहीं तो आधी ज़रूर देख लिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।